नमस्ते गाज़ियाबाद। अभी हम IMS गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और IMS के बच्चों को एक विशेष मौका, एक विशेष अवसर मिलने जा रहा है जो कि उनके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। अभी हमारे साथ IMS गाज़ियाबाद के डायरेक्टर उर्वशी जी मौजूद हैं। उर्वशी जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विशाल जी। उर्वशी जी, जिस तरीके से ये स्विस इमर्जन प्रोग्राम है तो हमारे व्यूअर्स को या जो मैनेजमेंट इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको बताइए किस तरीके का प्रोग्राम है और इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। देखिए, स्विस इमर्जन प्रोग्राम जो IMS गाज़ियाबाद लॉन्च करने जा रहा है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है। आई थिंक इस पूरे रीजन में IMS गाज़ियाबाद पहला इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है जिसका टाइप यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसन स्विट्ज़रलैंड के साथ किया गया है। अंडर दिस प्रोग्राम IMS गाज़ियाबाद ने इंटरनेशनल एकेडमिक कोलेबोरेशन किया है विद द ह्यूमनिस्टिक इंटरनेशनल नेटवर्क जीनीवा के साथ। इस प्रोग्राम के अंडर हमारे स्टूडेंट्स 20 आवर्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं ऑन द ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। आज की डेट में देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं उसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईलाइट कर रही है। नंबर वन, इंटरनेशनलाइजेशन। सो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में जब हमारे स्टूडेंट्स स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे वन वीक, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूसन में स्विस स्टूडेंट्स के साथ ही बैठकर क्लासेस जब अरेंज करेंगे, अटेंड करेंगे इन द एक्सपीरियंशियल मोड, जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज गोइंग टू बी द बेसिक फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ द क्लास रूम लर्निंग। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट होने जा रहा है, ऑब्वियसली वो बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलने जा रहा है। सेकेंड, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हाईलाइट किया जा रहा है टाइम से, काफ़ी पिछले 3 साल से, दैट इज़ एम्फेसिस ऑन द मॉरल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन वैल्यूज़। तो आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि आज की डेट में हायर एजुकेशन सिस्टम में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस कहीं ना कहीं पीछे पड़ते जा रहे हैं। और PGDM प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो IMS गाज़ियाबाद चला रहा है, जहाँ स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब्स लेते हैं। द कंपनीज़ जो इंटरनेशनल हैं, नेशनल हैं, पैन इंडिया प्रेजेंसेस हैं, वहाँ स्टूडेंट्स अगर एथिकल डिसीजन मेकिंग अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एजेंडा इस स्विस इमर्जन प्रोग्राम के पीछे रहेगा। तो अब हमारे साथ वो बच्चे हैं जो इस स्विस इमर्जन प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, उनमें कितना उत्साह है और क्या चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है इस प्रोग्राम की, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान है और मैं PGDM बैच 2022 से 2024 का स्टूडेंट हूँ। और मैं इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा और दूसरे कल्चर को देखूंगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं। एंड अराउंड जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वहाँ पर 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बच्चे हैं, तो उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा और दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा। और इस पूरे ट्रिप में हम लोग 5 कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं और ट्रांस यूरोपियन रेल के द्वारा हम लोग पूरा सारी कंट्रीज़ में जाएंगे और डेली एक एक दिन का स्टे है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है।